हेलो फ्रेंड मैं ओम कुमार मेरा यूट्यूब चैनल बारमाओम है आज हम रीजनिंग का चर्चा करेंगे जिसमें चैप्टर रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर इसमें हम यह मेरा दूसरा सेट है इसमें 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा जिसमें जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा हम सेट के माध्यम से संपूर्ण रीजनिंग सेट बाई सेट कराते रहेंगे और इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर से लगभग दस बारह सेट कराएंगे जिसके तहत हमारा सारा काउंटिंग ऑफ फिगर से जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा और इस सेट का पी पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है बर्मा ओम उसको सब्सक्राइब करिए और वहाँ से पी डाउनलोड कीजिए या उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और उसके बाद घर पर उसको बनाइए और जहाँ डाउट लगता है उसके बाद यूट्यूब चैनल पर जाकर बर्मा ओम नाम से यूट्यूब चैनल भी है वहाँ पर जाकर उसका सोलूशन देख लीजिए यह हमारा सेट नंबर दूसरा है जिसमें पचास क्वेश्चन होगा ऐसे ही लगभग दस बारह सेट कराया जाएगा और हर चैप्टर को सेट के माध्यम से ही पूरा कराया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर इक्यावन से शुरू करते हैं क्योंकि पहले सेट में पचास क्वेश्चन हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर इक्यावन बोल रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना है आपको तो त्रिभुज की संख्या निकालिए देखिए सबसे पहले बीच में एक चतुर्भुज है तो इसमें लगभग आठ त्रिभुज बनेगा ये पहले भी हम बना बता चुके हैं चूंकि एक दो तीन चार और दो दो को जोड़कर तो आठ त्रिभुजी हो गया उसके बाद हम इधर कोने पर देखते हैं तो एक दो तीन चार और चारों को जोड़ देंगे एक बार तो कितना हो जाएगा पाँच तो पाँच 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 पाँच, पाँच। यानी टोटल कितना हो गया पाँचों का बीस तो बीस त्रिभुज यहां हमारा तैयार हो गया तो चलिए आठ बीस अट्ठाईस हो गया और कहीं त्रिभुज बन रहा है कि नहीं तो उसको हम देख लेंगे तो अब इसमें किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बन पा रहा है तो बस यही हमारा बीस आठ कितना हो गया अट्ठाईस आंसर हो गया चलिए अगले क्वेश्चन का कर, डिस्कस करेंगे इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है तो सबसे सब पहले देखेंगे कि ये वाला जो है और ये वाला है एक चतुर्भुज के जैसा है तो इसमें भी आठ त्रिभुज और इसमें भी आठ त्रिभुज ओके और ये वाला जो बड़ा फिगर है हमारा वो भी क्या है एक चतुर्भुज है तो इस बड़े फिगर में भी कितना बनेगा आठ त्रिभुज यानी बड़े फिगर में कितना आठ हो गया ऐसे और इसको भी अगर उसमें काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बारह त्रिभुज बन जाएगा तो बारह प्लस प्रत्येक इसमें आठ और इसमें आठ तो आठ प्लस आठ प्लस अब उसके बाद क्या करेंगे ये टोटल बड़ा है तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना बन जाएगा तो बारह बन जाएगा तो उसको भी ले लेंगे बारह चलिए अब ये छोटा वाला जो कंस्ट्रक्शन है इसमें भी कुछ त्रिभुज बन रहा है देखिए तो एक दो तीन चार तो इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है चार तो चार 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 और इसको एक बार हम जोड़ देंगे सपोटेड इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो एक पाँच हो जाएगा तो पाँच यानी इसमें पाँच बन रहा है तो पाँच यहाँ पर पाँच यहाँ पर पाँच यहाँ पर पाँच यहाँ पर तो कितना हो, हो गया यहाँ पर बीस त्रिभुज हो गया अब और देखते हैं अब इस और इस फिगर के एडिशन से किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बन पा रहा है तो उसको छोड़ देंगे इधर वाला हो गया ये वाला हो गया इसमें पांच त्रिभुज इसमें पांच त्रिभुज एक बड़ा वाला है तो इसमें भी त्रिभुज बन रहा तो उसको भी हम काउंट कर लेते हैं तो तो टोटल यही हमारा त्रिभुज हो गया तो कितना हो गया देख लीजिए बारह आठ बीस बीस चालीस आठ कितना हो गया अड़तालीस तो अड़तालीस आंसर नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितना त्रिभुज बनेगा तो कैसे काउंट होगा ये वाला सिर्फ में आठ त्रिभुज बनता है एक दो तीन चार और दो दो को जोड़ेंगे तो चार वो बनेगा तो टोटल कितना हो गया आठ तो आठ 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 तो आठ आठ कितना हो गया हमारा तो आठ सौ का बत्तीस चलिए नेक्स्ट तो बत्तीस तो यहाँ बन गया बत्तीस के बाद भी देखते हैं क्या बन रहा है अब देखिए यहां पर एक त्रिभुज एक त्रिभुज एक त्रिभुज और एक त्रिभुज यानी से भी कितना बन जाएगा हमारा चार त्रिभुज बन जाएगा ओके इस वाले शेप में और इस वाले शेप में कितना त्रिभुज बनेगा तो तीन तीन, तीन बनेगा तो तीन या तीन कितना होगा छ त्रिभुज हो गया चलिए इस, इस वाले शेप को और इस वाला शेप को यदि एड कर देंगे तो चार त्रिभुज और बन जाएगा देखिए यहां से और यहाँ से और यहाँ से तो इतना इसको ले लेंगे भाग और इसमें ऐड कर देंगे तो चार एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर तो चार त्रिभुज बन गया यानी हमारा ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सारा क्लियर हो गया लेकिन चार त्रिभुज यहाँ कोने पर भी बन रहा है देखिए एक कोना दो कोना तीन कोना चार कोना तो उसको भी एड करेंगे चार त्रिभुज चलिए अब इस कोने वाले को इस कोने के साथ यदि एड करते हैं तो देखिए एक कोना ये कोना मिलकर भी क्या बनाएगा एक त्रिभुज बनाएगा ये कोना ये कोना मिलकर भी एक त्रिभुज बनाएगा तो चार त्रिभुज ओवर हो जाएगा अब काउंट कीजिए हम क्या क्या ले लिए ये चतुर्भुज का त्रिभुज काउंट का हो गया है ये वाला भी काउंट हो गया है ये दोनों का एडिशन भी काउंट हो गया है ये दोनों ये दोनों हो गया है अब क्या बच रहा है अब ये टोटल बड़े फिगर को देखिए तो इस बड़ा फिगर में कितना त्रिभुज बन रहा है तो बड़ा त्रिभुज में ये साइड देखेंगे तो ये टोटल को यदि ऐड करेंगे तो इसमें कितना बन जाएगा एक यहाँ एक यहाँ और दोनों को जोड़कर एक बनेगा यानी तीन त्रिभुज इधर और तीन त्रिभुज इधर तो टोटल कितना हो हमारा? गया हमारा छः त्रिभुज ओके आठ त्रिभुज यहाँ तो आठ चौका बत्तीस हो गया ओके अब देखिए फिर चार त्रिभुज ऐसे दोनों को ऐड किए फिर यहाँ पर दोनों को ऐसे एड किए तो चार त्रिभुज इसमें बना फिर छः त्रिभुज इस वाले फिगर में बना ठीक है फिर चार त्रिभुज इस वाले फिगर को ऊपर नीचे ऐड किए तो चार त्रिभुज बना ये वाला 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 वाला फिर चार त्रिभुज बना ये 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 फिर चार त्रिभुज बना इसके कॉम्बिनेशन से इसके कॉम्बिनेशन से फिर छह त्रिभुज बना बड़ा वाला त्रिभुज में हो गया तो ये हमारा टोटली हो गया और इसके अलावा भी अब ये वाला है तो इसका हम काउंट अभी नहीं किए हैं अब देखिए चार त्रिभुज और बन रहा है अगर ये वाला लाइन ले लेंगे सपोज डेट तो यहाँ से ऐसे होगा तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना बन जाएगा एक त्रिभुज ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक त्रिभुज क्योंकि ऊपर वाला तो काउंट हो गया है नीचे वाला काउंट हो गया लेकिन ये वाला नहीं कर रहे हैं तो ये वाला हो गया तो चार फिर ऐसे भी ऐसे काउंट करेंगे ऐसे भी ऐसे काउंट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा चार नहीं इसको भी काउंट हो गया है क्योंकि यहाँ पर कर चुके हैं इसका काउंट क्योंकि इसके साथ इसको एड किए थे ना तो वो हो गया छः के बाद चार वही आया चलिए हो गया तो टोटल हमारा जोड़ते हैं इसी को कितना हो गया तो बत्तीस आ दस कितना हो गया बयालीस बयालीस आ बारह बयालीस बारह चौवन चौवन छठ इसमें कितना साठ है साठ त्रिभुज है वैसे ही प्रत्येक फिगर को तोड़ तोड़ के जोड़ते जाएंगे नेक्स्ट देखते हैं अब ये वाला देखेंगे कि इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है तो देखिए ये वाला फिगर और ये वाला फिगर में कितना आठ आठ त्रिभुज बनेगा तो आठ और आठ सोलह त्रिभुज हो गया ओके okay. अब चलते हैं आगे अब इन दोनों फिगर के ज्वाइंट से कितना त्रिभुज बना देखिए यहां पर यहां पर और यहां पर तो इससे भी कितना त्रिभुज बन रहा है चार त्रिभुज बना यानी दो त्रिभुज बना, दो बना रहा है ये दोनों को और ये दोनों को इस मिड पॉइंट से तो कितना हो गया एक ऊपर एक नीचे यानी दो त्रिभुज चलिए एक दो तीन चार चार तो ये बनाएगा तो चार त्रिभुज इसके अलावा भी देखेंगे अगर कोई त्रिभुज बनेगा तो तो ऊपर वाला फिगर को नीचे वाला फिगर से ऐड करते हैं तो किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनता है अब बड़ा वाला विशेष भी भी बन गया तो अब कोई त्रिभुज नहीं बना तो जोड़ देंगे तो सोलह दो अट्ठारह चार बाईस टोटल बाईस त्रिभुज बन रहा है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर पचपन पर आते हैं तो इसमें कितना चतुर्भुज बना यानी कि इसमें हमको निकालना है कि कितना वर्ग बन रहा है तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे तो देखेंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच का स्क्वायर है आ इधर से भी एक दो तीन चार पाँच तो पाँच का स्क्वायर है तो पाँच इधर से और पाँच इधर से यानी पाँच और पाँच में गुना करेंगे तो कितना हो गया पच्चीस त्रिभुज तो छोटा वाला हो गया फिर अब दो दो को ले लेंगे यानी चार चार को जोड़ेंगे तो भी एक वर्ग बनेगा तो देखिए एक दो फिर तीन चार तो इस लाइन में चार बना और इस लाइन में भी चार बनेगा एक दो तीन चार हो गया तो चार चार ऐसे चार ऐसे या चार ऐसे तो फिर चार चौ का कितना हो गया सोलह बन गया फिर कितना लेंगे नौ नौ त्रिभुज का लेंगे तो देखिए एक त्रिभुज इतना ले लेंगे फिर यहाँ पर जाएंगे तो दो त्रिभुज हो यानी दो चतुर्भुज हो जाएगा दो वर्ग हो जाएगा फिर यहाँ पर लेंगे तो दो एक और चतुर्भुज हो जाएगा तो इस कोठे में कितना तीन बन रहा है तो इसे नीचे भी जाएंगे तो तीन बनेगा तो तीन गुणे तीन यानी नौ चतुर्भुज बन जाएगा फिर चार का वर्ग लेंगे तो चार का वर्ग लेंगे तो एक यहाँ पर बनेगा फिर एक यहाँ पर बनेगा तो दो इधर बनेगा और दो इधर से भी बनेगा तो दो न चार एक सबसे बड़ा वाला ले, ले लेंगे तो पाँच अब सब कुछ तोड़ेंगे पच्चीस देखिए सोलह हो नौ कितना होता है पच्चीस पच्चीस पाँच तीस और तीस और पच्चीस कितना हो गया पचपन तो पचपन हमारा क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर छप्पन को देखेंगे तो इसमें कितना है एक दो तीन चार पाँच छ इधर से भी निकालेंगे एक दो तीन चार पाँच छः तो वैसे ही छः इधर से छः इधर से तो छत्तीस तो नॉर्मल हो गया हमारा फिर दो दो के लेंगे इतना एक वर्ग दो वर्ग तीन वर्ग चार वर्ग और पाँच वर्ग ये चार पाँच तो देखिए एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच तो पांच इधर से पाँच इधर से यानी पच्चीस फिर तीन को लेंगे यानी तीन का वर्ग लेंगे यानी नौ तीन नौ वर्ग को एक साथ जोड़ कर बनाएंगे तो फिर कितना होगा तीन गुणे तीन यानी चार गुण पहले तो वैसे भी चार बनेगा तो चार गुने चार कितना होगा सोलह फिर तीन का बन जाएगा यानी नौ हो जाएगा फिर चार हो जाएगा फिर एक हो जाएगा ये सबको क्या करेंगे एड कर देंगे तो देखिए सोलह और नौ कितना होगा पच्चीस पच्चीस और पाँच तीस हो गया तीस और पच्चीस कितना हो गया पचपन और पचपन और छत्तीस तो पचपन छत्तीस जो है पाँच ग्यारह का एक हाफ हार्सिन एक अब पाँच तीन आठ एक नौ यानी टोटल इक्यानवे वर्ग बना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सन्तावन तो इसमें कितना है एक दो तीन चार पाँच तो पाँच का वर्ग है तो पहले निकाल चुके हैं कितना वर्ग बनेगा इसमें तो पचपन ठीक है अब इस छोटे वाला में देखिए एक दो तीन चार आ टोटल को जोड़ेंगे तो एक पाँच हो जाएगा तो पाँच इसमें पाँच इसमें पाँच इसमें पाँच इसमें तो टोटल कितना हो गया तो पाँचों का बीस हो गया तो बीस इसमें क्या करेंगे एड कर देंगे यानी टोटल हमारा कितना हो गया तो पचपन और बीस लगभग पचहत्तर चतुर्भुज इसमें बन रहा है फिर नेक्स्ट देखेंगे तो ये कितना है एक दो तीन चार पाँच छः 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 का क्या है वर्ग तो छः वर्गों का वर्ग है तो उसमें क्या करेंगे तो पहले इसमें निकाल चुके हैं छप्पन नंबर में कितना आया था एक तो इक्यानवे तो होगा ही तो इक्यानवे यहाँ पर देखेंगे प्लस अब देखेंगे छोटा वाला कितना क्योंकि चूंकि इसमें पाँच बनता है एक दो तीन चार और चारों को जोड़ देंगे तो एक पाँच बन जाएगा तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो नौ और सब प्रत्येक में कितना बन रहा है तो पाँच बन रहा है तो नौ पक्ष कितना हुआ पैंतालीस तो पैंतालीस ये एड कर देंगे पाँच एक छः और नौ चार तेरह तो टोटल हमारा एक सौ छत्तीस वर्ग हो गया अब क्वेश्चन नंबर आते हैं फिफ्टी नाइन तो फिफ्टी नाइन में क्या बोल रहा है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः का है एक दो तीन चार पाँच छः तो नॉर्मली तो कितना हो गया छः छः का है तो वो तो छत्तीस हो ही गया छः छः का है ना तो छः छे का यदि बढ़ गया तो टोटल कितना इक्यानवे प्लस अब देखते हैं एक दो तीन चार पाँच इधर भी पाँच तो पाँच पच्चीस अब पच्चीस में प्रत्येक में कितना निकल रहा है पाँच एक दो तीन चार पाँच तो पच्चीस पच्चीस एक सौ पच्चीस तो एक सौ पच्चीस एड कर देंगे तो पाँच एक छः हो गया नौ व दो ग्यारह हो गया और फिर एक एक दो यानी टोटल कितना हो गया दो सौ सोलह अब क्वेश्चन नंबर साठ देखते हैं क्वेश्चन नंबर साठ देखिए तो इसमें कितना वर्ग बन रहा है तो सबसे पहले देखते हैं ये चार का वर्ग है तो चार का वर्ग है तो चार इधर से चार इधर से तो सोलह तो सिंपल बन गया चलिए उसके बाद नौ बनेगा दो को जोड़ेंगे तो यानी चार चार वर्ग को एक साथ लेंगे तो नौ हो जाएगा फिर नौ नौ वर्ग को लेंगे तो कितना बन जाएगा तो उसमें चार बन जाएगा और फिर बारह वाला एक चार चार वर्ग लेंगे तो एक बन जाएगा यानी ये तो हमारा हो गया इतना अब कुछ इधर भी फिगर है तो देखिए एक दो तीन चार इसमें क्या करेंगे चार एड करेंगे अब इस फिगर और इस फिगर को दोनों को एड करके देखेंगे कि कोई वर्ग बन रहा है कि नहीं तो ये चारों वर्ग को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या बनेगा एक वर्ग बन रहा है तो उसके लिए क्या प्लस एक इन चारों को देखिए इन दोनों को एड करके देखिए फिर एक वर्ग बन रहा है तो फिर अब कोई वर्ग नहीं बन रहा है तो टोटल को जोड़ लेंगे देखिए सोलह नौ पच्चीस अब पच्चीस अब पाँच कितना होता है तीस आ तीस और छः छत्तीस हमारा टोटल वर्ग की संख्या छत्तीस क्वेश्चन नंबर इकसठ देखते हैं तो पहले इसमें देखेंगे कि वर्ग कितना का है तो ये वाला जो वर्ग है ये वाला वर्ग को तो सिंपल निकाल सकते हैं कितना है? चार बाई चार का है तो चार बाई चार का ऊपर निकाल लेते हैं। कितना निकला था तो चार बाई चार में निकला था हमारा तीस प्लस अब साइड से देखेंगे कितना वर्ग है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यानी साइड से दस वर्ग है तो दस वर्ग और बीच वाला वर्ग और साइड वाला वर्ग को एड करने के बाद कौन कौन सा वर्ग बन रहा है उसको देखेंगे तो देखिए इन दोनों के साथ इन दोनों को एड कर देंगे तो एक वर्ग बन जाएगा इन दोनों के साथ इन दोनों को एड कर देंगे तो एक वर्ग बन जाएगा तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर दो एक यहाँ पर तीन एक यहाँ पर चार एक यहाँ पर पाँच तो टोटल हमारा कितना वर्ग बन गया तो पाँच यानी कुल मिलाकर हमारा हो गया पैंतालीस वर्ग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बासठ पर चलते हैं तो इसमें क्या है फाइव बाई फाइव का क्या है एक वर्ग है तो फाइव बाई फाइव में कितना बनता है तो पहले निकाल चुके हैं पचपन तो पचपन तो ये हो गया हमारा प्लस पचपन तो ये सिंपल ही हो गया उसके बाद देखेंगे क्या तो देखिए एक दो तीन चार तो चार हो जाएगा अभी चारों के एड करने से कोई वर्ग नहीं बनेगा क्योंकि दो वर्ग रहेगा तब ना बनेगा तो ना बनेगा तो वही हो जाएगा हमारा तो पचपन आचार कितना हो गया हमारा फिफ्टी नाइन क्वेश्चन नंबर तिरसठ देखते हैं तिरसठ में क्या बोल रहा है कि इसमें आपको वर्ग की संख्या निकालना है तो देखिए चार बाई चार का है तो चार बाई चार में कितना बनता है तो चार बाई चार में वर्गों की संख्या टोटल तीस बनता है क्योंकि चूंकि सोलह हो जाएगा क्या होगा सोलह नौ चार एक तो सोलह नौ पच्चीस या पाँच तीस हो गया अब ये वाला देखिए कंस्ट्रक्शन इसको 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 मिलाएंगे तो एक वर्ग और बन रहा है तो एक एड कर देंगे तो टोटल वर्गों की संख्या एक तीस. नेक्स्ट देखेंगे इसमें वर्गों की संख्या कितनी है तो इसमें वर्गों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे तीन बाई तीन का है तो टोटल कितना हो गया नौ तीन बाई तीन का है तो नौ हो गया यानी नौ हो जाएगा फिर कितना होगा चार हो जाएगा फिर कितना होगा एक होगा तो नौ चार तेरह एक चौदह तो चौदह इसमें हो गया अब साइड वाला देखेंगे वर्ग एक दो तीन चार तो प्लस चार कर देंगे यानी कितना हो गया अठारह और यदि इसमें त्रिभुज का संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे देखिए ये वाला जो है हमारा कंस्ट्रक्शन इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है तो टोटल इसमें आठ त्रिभुज बन रहा है तो आठ ये हो गया इस बीच वाला में भी कितना बन रहा है आठ बन रहा है चलिए अब देखिए दो यहाँ पर बन रहा है इंडिविजुअल दो यहाँ पर बन रहा है 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 दो आठ तो आठ जगह दो दो त्रिभुज बन रहा है तो आठ दूना सोलह तो सोलह त्रिभुज ये हो गया यानी बीच वाला समाप्त हो गया हमारा और ये बाड़ा वाला भी समाप्त हो गया अब देखिए कहाँ बन रहा है तो बाड़ा वाला में कितना बन रहा था आठ बीच वाला में कितना बना आठ और इसमें 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 कितना बना दो दो बना तो सबको ले लिए तो कितना हो गया आठ आठ प्लस सोलह अब देखिए इस फिगर को ध्यान से देखें, यहां से इस शेप में भी एक त्रिभुज बन रहा है वैसे ही इस शेप में भी क्या होगा एक त्रिभुज बनेगा तो टोटल कितना त्रिभुज बन जाएगा दो इस साइड से फिर दो इस साइड से फिर दो इस साइड से और फिर दो इस साइड से यानी कहने का मतलब कि टोटल हमारा यहाँ पर इसमें एक दो फिर इसमें एक दो फिर इसमें एक दो इसमें देखिए एक दो फिर इसमें देखिए यहाँ पर क्या है ना कट मारा है यहाँ से इस वाला में एक दो फिर इसको लेंगे तो एक इधर वाला एक उधर वाला दो तो दो दो वैसे कितना हो गया आठ हो गया तो टोटल जोड़ लेंगे आठ 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 तो आठ पाँच कितना हो गया चालीस तो टोटल चालीस त्रिभुज हो जाएगा इसमें देखेंगे वर्गों की संख्या कितना होगा तो वर्ग की संख्या या त्रिभुज की संख्या टोटल तो 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 निकाल लेते हैं तो वर्ग का संख्या निकालेंगे तो देखिए बड़ा वाला होगा तो इसमें कितना पांच वर्ग बन गए एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक बड़ा वाला तो पांच वर्ग तो नॉर्मल हो गया इसमें चलिए अब इसके अंदर एंट्री मारेंगे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सिंपली हमको क्या मिलेगा एक वर्ग मिलेगा इसमें क्या मिलेगा एक वर्ग मिलेगा चलिए यहाँ हो गया अब इस लाइन पर जाएंगे तो इस लाइन में भी हमको क्या मिलेगा पांच वर्ग मिलेगा एक ये एक ये एक ये एक ये एक बड़ा वाला पांच फिर अंदर जाएंगे इसमें तो इसमें क्या होगा हमको एक ही वर्ग मिलेगा यहां से एक वर्ग मिलेगा फिर अंदर जाएंगे इसमें तो इसमें भी क्या मिलेगा हमको पांच वर्ग मिल जाएगा चूँकि एक दो तीन चार एक चारों को जोड़ देंगे तो पाँच फिर पाँच तो टोटल हमारा वर्ग की संख्या निकल गया पाँच प्लस एक पाँच प्लस एक पाँच प्लस एक तो छः छः बारह पाँच सत्रह चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब सत्तर देखते हैं इस सेट में हम पचास क्वेश्चन का जिक्र करेंगे ऐसा ही निरंतर सेट चलते रहेगा बस सेट के माध्यम से ही हम पूरा प्रिपरेशन को यानी पूरा रीजनिंग को समाप्त करेंगे अभी काउंटिंग ऑफ फिगर का चैप्टर चल रहा है तो देखिए इसमें वर्ग की संख्या काउंट करना है तो देखते हैं कितना बाई कितना का तो एक दो तीन चार पाँच छः छः एक दो तीन चार पाँच छः तो छः बाई छः में पहले भी निकाल चुके हैं कितना एकानबे एक कैसे तो कि छः गुने छ पाँच गुने पाँच चार गुने चार तीन गुने तीन दो गुने दो एक गुण एक यानी छत्तीस पच्चीस सोलह नौ चार एक सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा एक एकानवे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन में क्या है तो कितना इसमें हो यानी कितना वर्ग है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो सिंगल सिंगल ग्यारह है फिर अब जोड़ के निकालते हैं तो इन चारों से एक बनेगा इन चार से एक बनेगा इन चार से एक बनेगा तो टोटल कितना हो गया तीन तो ग्यारह तीन कितना हो गया हमारा फोर्टीन क्वेश्चन नंबर अड़सठ देखेंगे तो अड़सठ में क्या है कि इसमें भी आपको वर्ग की संख्या निकालना है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एगारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो नॉर्मल तो सोलह वर्ग हो गया अब एडिशन से देखते हैं कितना बनेगा तो एक तो यहाँ पर बन गया फिर एक 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 यहाँ पर बन गया तो तीन दो पाँच तो पाँच ये हो गया यानी टोटल हमारा इक्कीस वर्ग हो गया फिर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन देखते हैं तो सिक्सटी नाइन में क्या बोल रहा है पहले काउंट कर देंगे नॉर्मल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस तो टोटल वर्गों की संख्या उन्नीस अब एडिशन से देखेंगे तो एक यहाँ पर दो तीन चार पाँच छः तो उन्नीस छ कितना होता है पच्चीस क्वेश्चन नंबर सत्तर देख लेते हैं इसमें कितना वर्ग है ठीक है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच हो गया एक दो तीन चार अब एक तरफ से पाँच वर्ग है एक तरफ से चार वर्ग ये तो स्क्वायर नहीं है कि गुना कर लेंगे यानी वर्ग करके कर जोड़ लेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे तो देखिए काउंटिंग करेंगे एक दो तीन चार पाँच आ कितना राउंड रो है तो ये तो हमारा पाँच हो गया ये रो हो गया कॉलम कितना है एक दो तीन चार पाँच यानी कॉलम पाँच है रो कितना है चार है तो पाँचों का बीस इसमें क्या हो जाएगा अभी सिंपल वर्ग हो गया पाँच इसमें पाँच इसमें पाँच इसमें पाँच इसमें तो पाँचों का कितना हो गया बीस वर्ग तो छोटा वाला हो गया अब एडिशन से निकालेंगे कितना वर्ग होगा इसको जोड़ेंगे तो एक होगा ठीक है फिर दो तीन चार यानी इस रो तो में चार निकला अब इस रो तो में देखेंगे एक दो तीन, चार इधर से तीन यानी टोटल कितना हो गया बारह चूंकि चार फिर चार फिर चार तो टोटल बारह वर्ग हो गया अब तीन तीन का लेंगे यानी नौ नौ वर्ग को एक साथ जोड़ के वर्ग वर्ग बन बन गए तो देखिए ये वाला जाएगा यहां से एक वर्ग बन जाएगा ऐसे तो ये वाला देखें एक फिर दो फिर तीन यानी इस रो में हमारा तीन वर्ग बन रहा है और इस रो में कितना वर्ग बन रहा है तो उसी को देख लेंगे तो इस वर्ग में एक ये बन रहा है और तो फिर एक नीचे बन रहा है दो तो यानी तीन गुने दो का पेयर बन रहा है ना तो तीन गुने दो यानी छः हो गया चलिए अब कितना चार का पेयर बनाएंगे तो चार का पेयर यहाँ से बनेगा यहाँ से बनेगा यहाँ से बनेगा तो चार का पेयर यहाँ से बन गया एक फिर इस लाइन को लेंगे और तो इसको जोड़ देंगे तो फिर दो तो इधर से दो बन रहा है इधर से केवल एक ही बन रहा है तो दो गुने एक कितना हो गया दो टोटल को जोड़ देंगे तो देखिए बीस और बारह बत्तीस अब बत्तीस आठ कितना होता है चालीस हो गया या इसके लिए वही हुआ तो मान लीजिए इधर से पाँच वर्ग है इधर से कितना है चार वर्ग है तो पाँच गुने चार बीस हो गया फिर एक एक कम होते जाएगा चूँकि चार को जोड़ेंगे तो दो वर्ग को जोड़ेंगे तो एक कम हो जाएगा तो इसी रूम में चार बनेगा और इधर से तीन बन जाएगा यानी बारह निकल जाएगा फिर अगला में क्या करेंगे नौ नौ वर्ग को एक साथ लेंगे तो इधर से तीन वर्ग बनेगा और इधर से दो वर्ग बन जाएगा फिर क्या करेंगे इधर आ, चार चार वर्ग लेंगे तो इधर से दो बनेगा इधर से एक बनेगा तो ऐसे ही घटा कर कर लेंगे अब फिर इधर से घटाएंगे तो नहीं बनेगा एक तरफ से बनेगा लेकिन इधर से तो बन जाएगा पाँच का वर्ग इधर से पाँच वर्ग बन रहा है लेकिन इधर से भी पाँच होना चाहिए ना तब तो नहीं वर्ग बनेगा तो नहीं बन पाएगा जीरो हो जाएगा यार तो उसमें छोड़ देंगे उसको तो यहाँ पर छः हो गया इसको दो हो गया तो ऐसे भी इसको निकाला जा सकता है तो बीस बारह छः दो कितना हो गया यहाँ पर भी चालीस आज वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर सत्तर है वैसे ही इकहत्तर को देख लेंगे सेम प्रोसेस से, है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया एक दो तीन चार तो इधर से सात है इधर से चार है तो जब इधर से सात है इधर से चार है तो सात गुने चार तो सचों का पहले कितना बन गया अट्ठाईस बन गया एक सिंगल सिंगल फिर दो का ऐसे पेयर बनाएंगे तो इसमें कित इस रो में छः बनेगा और इस रो में कितना बनेगा तीन बनेगा तो क्षेत्रिक अठारह हो जाएगा तो यानी ये दोनों में एक एक कम करते जाएंगे वैसे ही बनते जाएगा या हम निकाल लिए यहाँ पर कैसे इधर छः है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः बना एक दो तीन ऐसे काउंट भी कर सकते हैं या इसमें एक एक घटा लेंगे तो वही काउंट हुआ आएगा एक एक हर बार में घटते जाएगा तो छः गुने तीन फिर पाँच गुने दो और फिर चार गुने एक खत्म तो क्षेत्रिक अठारह दस चार चार छोड़ देंगे ये दो दोनों को दे देंगे तो तीस बीस पचास दस साठ तो साठ हमारा क्या हो गया आंसर हो गया साठ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे बहत्तर नंबर तो बहत्तर नंबर में क्या बोल रहा है देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो बहत्तर है इसमें वर्गों की संख्या निकालना है तो देखें इधर से कितना वर्ग है एक दो तीन चार पाँच छः इधर से एक दो तीन चार तो वैसे ही निकालेंगे इधर से कितना वर्ग है तो एक दो तीन चार पाँच छः इधर से कितना वर्गों की संख्या है तो एक दो तीन चार यानी छः गुने यानी छः गुने चार का है तो छः गुने चार यानी छः चौका चौबीस पाँच गुने तीन यानी पान्ते ही पंद्रह ये कैसे हो रहा है बता रहा है ना कि जब चार वर्ग को जोड़ेंगे तो एक वर्ग दो वर्ग तीन वर्ग चार वर्ग पाँच वर्ग इधर से पाँच इधर से तीन यानी टोटल पंद्रह हो गया जब नौ नौ वर्ग को लेंगे तो क्या होगा इधर से चार बन जाएगा इधर से दो बन जाएगा और जब सोलह सोलह वर्ग को एक साथ लेंगे तो इधर से तीन बनेगा और इधर से कितना बनेगा एक बन जाएगा खत्म हो गया तो आठ हो गया यहाँ पर तीन हो गया सबको ऐड करेंगे तो सबको एड करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर कितना हो रहा है आठ में चौबीस जोड़ देंगे तो कितना होगा बत्तीस और बत्तीस या तीन पैंतीस और पैंतीस पंद्रह पचास पचास तो पचास तो इसमें हो गया छोटा छोटा अब इसमें देखेंगे इसमें भी पांच वर्ग बन रहा है ऐसा ऐसा कितना वर्ग है एक दो तीन चार पाँच पाँच दस तो पाँच और दस तस, दस यानी दस वर्ग है या में पाँच पाँच बन रहा है तो पचास ये भी हुआ तो पचास प्लस पचास यानी टोटल कितना हो गया हमारा सौ वर्ग क्वेश्चन नंबर तिहत्तर देखेंगे इसमें कितना बना बड़े वाला वर्ग को ध्यान से देखिए कितना बना तो बड़ा वाला वर्ग में चार वर्ग बना इन चारों वर्ग को एक वर्ग दो वर्ग तीन वर्ग चार वर्ग आ चारों वर्ग को एक साथ जोड़ देंगे तो ये बड़ा वाला हो जाएगा एक पाँच वर्ग तो बड़ा वाला यहाँ से कितना बना पाँच वर्ग प्लस फिर इस पर जाएंगे तो इस पर भी कितना बन जाएगा पाँच वर्ग फिर इस लाइन पर जाएंगे तो एक वर्ग दो वर्ग तीन वर्ग चार वर्ग एक बड़ा वाला पाँच वर्ग फिर इस लाइन को ले लेंगे तो पांच वर्ग फिर इसको लेंगे तो पांच वर्ग और फिर अंदर वाला ले लेंगे तो पांच वर्ग यानी कितना हो गया तीन और तीन यानी पंद्रह पंद्रह तीस वर्ग आंसर क्वेश्चन नंबर चौहत्तर देखते हैं तो ऊपर के जैसा ही है पांच पांच, यानी पांच प्लस पांच, फिर पांच, फिर पांच। अब फिर पाँच यानी टोटल कितना वर्ग बन गया पच्चीस अब क्वेश्चन नंबर पचहत्तर देखते हैं इसमें आपको क्या निकालना है तो इसमें हमको आयत निकालना है यानी वर्ग नहीं निकालना है इसमें क्या निकालना है आयत निकालना है यानी सिंपल इस आकृति में आयत निकालिए या चतुर्भुज चूँकि प्रत्येक वर्ग एक क्या होता है आयत होता है इसमें चतुर्भुज की संख्या निकालिए तो चतुर्भुज का संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है कि रोज देखते, देखते हैं और कॉलम देखते हैं और सबको एड करके क्या करते हैं गुना कर देते हैं वही हमारा चतुर्भुज का संख्या आ जाता है तो देखिए यहाँ पर क्या एक दो तीन चार पाँच ठीक है इधर से कितना हो गया पाँच यहाँ पर पा देखें एक दो तीन चार पाँच यानी पाँच इधर से भी है पाँच इधर से भी है तो सबको एड करके क्या करेंगे जोड़ देंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच सबको जोड़ करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर पंद्रह इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा पंद्रह यानी पंद्रह इधर से पंद्रह इधर से तो पंद्रह पंद्रह कितना हो जाएगा दो सौ पच्चीस तो पंद्रह इंटू पंद्रह दो सौ पच्चीस अगर केवल यानी इसमें आयत पूछेगा तो कितना होगा दो सौ पच्चीस या चतुर्भुज भी पूछेगा तो वो भी कितना होगा 225 आयत का वैल्यू पूछे इस फिगर में तो वो भी 225 सौ पच्चीस या चतुभुज पूछे वो भी 225 क्योंकि इधर से कितना है पाँच रो है इधर से कितना है पाँच रो है तो दोनों को जोड़कर गुना कर, कर देंगे क्योंकि देखिए ये पांच नॉर्मल बन गया फिर दो दो को जुड़ लेंगे फिर तीन तीन को लेंगे फिर चार चार को लेंगे फिर एक पाँच वाला को लेंगे फिर वैसे ही इधर भी चलेगा तो जैसे इधर चलेगा वैसे इधर चलेगा तो दो बार इधर से गुना होगा फिर उधर से गुना होगा तो पंद्रह इधर पंद्रह इधर तो पंद्रह पंद्रह कितना हो गया हमारा दो सौ पच्चीस हो गया फिर वो सही सेवेंटी सिक्स नंबर देखेंगे इसमें आपका कितना चतुर्भुज है या आयत है तो क्या करेंगे एक दो तीन चार तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दस हो गया फिर यहाँ पर दो तीन इसको जोड़ेंगे तो छः हो गया यानी इधर से कितना दस इधर से कितना छः तो दस और छः कितना हो गया साठ यानी दस इन छः बराबर कितना हो गया हमारा साठ आंसर अब आगे देखेंगे इसमें भी चतुर्भुज या आयत का संख्या ज्ञात करना है तो उसको कैसे निकालेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच इधर से देखिए पाँच तो नॉर्मल हो गया फिर दो दो को लेंगे तो एक दो तीन चार फिर तीन तीन को लेंगे तो एक दो तीन फिर चार चार कर लेंगे तो देखिए एक दो फिर पांच कर लेंगे तो एक यानी इस रू में केवल हमको कितना मिला पंद्रह मिल गया और इस रो में दो तीन चार सबको कुछ हो तो गया दस मिल गया। तो इधर से पंद्रह इधर से दस तो पंद्रह कितना हो गया डेढ़ सौ तो पंद्रह इंटू टेन बराबर एक सौ पचास ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना अठहत्तर देखते हैं तो अठहत्तर में क्या इसमें भी आपको तो चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना है तो सेम प्रोसेस एक दो तीन चार पांच छ इधर से दो तीन चार तो इधर जोड़ेंगे तो पांच तक जोड़ेंगे तो, जोड़ें तो पंद्रह अच्छा छह कितना हो गया इक्कीस इधर 10 यानी टोटल 21 कूने दस इक्वल टू दो हमारा क्या हो गया आंसर अब क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन पे चलते हैं इस सेट में हम पचास क्वेश्चन का जिक्र करेंगे और सीट के माध्यम से ही पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा हमारा तो देखते रहिए इसमें हर तरह का क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे यानी जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक तो क्वेश्चन नंबर आइए अठहत्तर पर आते हैं तो अठहत्तर नंबर क्वेश्चन में बोला इसमें कितना होगा वर्ग वर्ग नहीं इसमें चतुर्भुजों की संख्या हो गई देखिये एक दो तीन चार तो चार सब जोड़ेंगे तो कितना गिन लेते हैं एक दो तीन चार चार दो दो को साथ लेंगे तो देखो ये दोनों को लेंगे एक बार ये दोनों को लेंगे ये दोनों को लेंगे तो कितना बन गया तीन 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 को लेंगे तीन तीनों को लेंगे फिर इन तीनों को लेंगे तो दो बन गया फिर चारों को लेंगे तो फिर चार हो गया तो देखे कितना निकल गया वैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं अस्सी में क्या है तो एक दो तीन चार पांच तो को जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा यहाँ पर पंद्रह वैसे ये पांच तो ये नॉर्मल हो गया फिर दो दो के लेंगे तो एक दो देखिए एक ये हो गया दो तीन चार फिर तीन तीन के लेंगे तो तीन फिर दो फिर एक बराबर पंद्रह ये वाला फिगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक से तो एक दो तीन चार पांच एंड इधर से हमारा कितना हो गया पंद्रह अब इधर से काउंट करते हैं तो देखिए एक दो तीन या टोटल काउंट करेंगे इधर से तो इधर से भी हो जाएगा तो पंद्रह इधर से निकल गया अब इधर देखिए काउंट करते हैं एक दो तीन यानी तो तीन तो ये हो गया प्लस अब दो दो कर लेंगे तो दो ये दो ये दो ये तो तीन फिर बन गया ये दो ये दो ये दो ये अब कितना लेंगे अब दो दो कर ले लिया अब तीन तीन कर लेंगे तो एक एक दो तो तीन तीन का भी दो बन जाएगा अब चार चार कर लेंगे तो एक बन जाएगा फिर प्लस एक बन जाएगा यानी टोटल हमारा कितना हो गया तो तीन तीन छीन नौ यानी पंद्रह प्लस नौ यानी चौबीस अब क्वेश्चन नंबर बयासी पर आते हैं तो कितना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो नौ है तो टोटल को जोड़ देंगे तो नौ एक दस पांच अब पान नवा पैंतालीस तो इसमें कितना हो गया पैंतालीस प्लस इधर भी कितना हो गया पैंतालीस तो पैंतालीस पैंतालीस नब्बे होगा अब बीच वाला में देखेंगे एक दो तीन तो ऐसे बन गया अब इसको एडिशन से लेते हैं तो ये सबको लेंगे एड करेंगे यहां तक पांच है तो देखिए एक दो तीन चार तो चार बना फिर तीन तीन को जोड़ेंगे तो एक दो तीन इन तीनों के एक साथ जोड़ेंगे इतना को फिर इन तीनों के एक साथ जोड़ेंगे और फिर इन तीनों को साथ तो फिर तीन बन जाएगा अब चार को लेंगे तो यहां से लेकर यहां तक लेंगे चार चलिए तो चार ये हो गया फिर चार यहाँ तक लेंगे तो दो और बन जाएगा और पांचों ले लेंगे एक बार तो एक और बन जाएगा तो टोटल जोड़ लेंगे तो पैंतालीस पैंतालीस नब्बे और नब्बे यहाँ पर दस और तीन यानी एक सौ तीन आते हैं क्वेश्चन नंबर तिरासी पर तिरासी में क्या बोल रहा है तो देखिए पहले इसमें निकाल लेते हैं चतुर्भुजों की संख्या तो एक दो तीन चार पाँच इधर से एक दो इधर से जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा पंद्रह इधर से जोड़ेंगे तो तीन यानी करने का मतलब कि इधर से हो गया इधर से तीन हो गया इस रू में भी इधर से पंद्रह हो गया फिर इधर से तीन हो गया फिर दोनों में तो टोटल पंद्रह पैतालीस पैतालीस हमारा चतुर्भुज बन जाएगा क्या, क्या? चूंकि पंद्रह इस रू में पंद्रह इस रू में आई दोनों के बड़ा वाला समित पंद्रह तो पंद्रह पैतालीस हो गया वही सही है अब क्वेश्चन नंबर चौरासी देखते हैं इसमें कितना बन रहा है तो पहले छोटा छोटा गिनते हैं ठीक है तो देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ठीक है इसमें देखिए एक दो आई दोनों को जोड़ देंगे तो एक क्या हो जाएगा तीन ठीक है तो तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें इस तो तीन चौका कितना हो गया बारह तो नॉर्मल ये हो गया अब चलिए अब देखिए ये वाला को इसके साथ ऐड करेंगे तो एक हो जाएगा इतना यानी यहां से लेकर यहां तक तो। और फिर ये वाला को इसके साथ ऐड कर देंगे तो यहां तक तो दो तो इधर बन जाएगा दो इधर बन जाएगा दो इधर बन जाएगा दो इधर से बन जाएगा तो कितना हो गया हमारा टोटल दो 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 यानी आठ तो आठ तो ये हो गया चलिए एक बड़ा वाला में बनेगा चतुर्भुज तो प्लस एक ये हो गया तो टोटल हो गया बारह एक पचासी में क्या है सेम इसमें 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 देखते हैं कितना बन जाएगा टोटल इसमें छह बन जाएगा एक दो तीन यानी छो एक दो तीन छो चूंकि एक दो तीन फिर दो दो को तो दो बन गया फिर तीन को एक बन गया तो छह इसमें छह इसमें छह इसमें छह इसमें तो छह चौका कितना हो गया हमारा चौबीस हो गया चलिए तो चौबीस तो नॉर्मल ये निकल गया उसके बाद देखते हैं यानी चौबीस इसमें तो देखिए एक यहां से एड होगा इसके साथ फिर एक यहां से एड होगा और फिर एक यहां से एड होगा तो इसके साथ तीन बनेगा तीन ऐसे बनेगा तीन ऐसे बनेगा तीन ऐसे बनेगा तीन ऐसे बनेगा बने तो चार बार तीन तीन बनेगा तो टोटल हमारा कितना हो गया बारह ऐसे हो गया ठीक है अब एक बारा वाला बन जाएगा तो बारह एक हो गया तो बारह 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 छत्तीस एक कितना हो गया हमारा सैतीस क्वेश्चन नंबर छियासी देखते हैं तो छियासी में क्या है तो देखिए इसमें क्या बनेगा अगर इसको लेंगे चपुर इसको लेंगे तो तीन यहां बना तीन यहां बना तीन यहां बना तीन यहां बना, तीन यहां बना। तो बारह तो ये हो गया और चार इससे बन रहा है बारह और चार सोलह हो गया और ऐसे भी इसको काउंट कर एक दो तीन चार पांच छत आठ दो से गुणा कर देंगे तो कितना होगा काउंट कर लेंगे तो कितना हमारा इसमें बन रहा है क्योंकि इस वाला में तीन इस वाला में तीन इस वाला में तीन और उसके बाद ये बड़ा वाला में देखेंगे तो इसको इसको मीडिएटर बनेंगे तो इस तरफ और उस तरफ इसको मीडिएटर बनेंगे तो इस तरफ और उस तरफ यानी चार वैसे बना तो बारह प्लस चार यानी कितना हो गया सोलह यानी ठीक नहीं याद करना है ठीक याद कीजिएगा एग्जाम हॉल में याद नहीं आएगा और क्वेश्चन छूट जाएगा जो कॉन्सेप्चुअल है उसको नॉर्मली गिनिए और गिनकर बताइए वही सबसे अच्छा रहता है अब इसमें देखिए क्या है तो देखिए नॉर्मली इस वाले कोठे में और इस वाले कोठे में क्या दिख रहा है एक दो तीन इन दोनों को जोड़ देंगे इसके साथ इन दोनों को जोड़ देंगे तो पांच हो जाएगा यानी एक दो तीन इन और इन दोनों को मिलाकर एक और इन दोनों को मिलाकर एक तो तो इधर कितना बन गया पाँच। तो जैसे इधर पांच बना तो इधर भी कितना बन गया पांच चलिए एक ये बना एक ये बना तो पांच प्लस दो चलिए अब इसके साथ हो गया अब इसके साथ देखिए एक बड़ा वाला वैसे ही एक बड़ा वाला तो फिर प्लस दो यानी टोटल कितना हो गया फोर्टीन अब इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है तो टोटल हमारा आंसर कितना हो गया क्वेश्चन नंबर एटी एट पर फोकस करते हैं देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे इसमें कितना त्रिभुज बना एक 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 बाहर से यानी टोटल चार बना फिर इस त्रिभुज पर जाएंगे तो इसमें भी चार बनेगा देखिए एक दो तीन एक बाहर वाला तो चार बन गया फिर अंदर जाएंगे तो इसमें मात्र एक त्रिभुज है तो एक ले लेंगे तो टोटल हमारा कितना हो गया आंसर बस नॉर्मल निकालेंगे अब इसमें देखिए ये बड़ा वाला को लेते हैं ठीक है तो देखिए तीन यहां बनेगा तीन यहां बनेगा तीन यहां बनेगा तो क्या होगा तीन तिर का कितना हो गया नौ एक बाहर से बना तो दस तो टोटल कितना होगा गया दस यानी बाहर से खत्म हो अब इस लाइन पर जाएंगे तो इस लाइन में क्या है ध्यान से देखिए तीन यहां बना तीन यहां बना तीन यहां बना और तीन बनने के बाद एक ये बड़ा वाला तो कितना हो गया हमारा फिर इसमें भी दो अब ये वाला भी खत्म अब अंदर जाएंगे तो देखें अंदर जाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा एक बनेगा दो बनेगा तीन बनेगा एक बड़ा वाला बनेगा तो कितना होगा हमारा चार फिर इसमें जाएंगे अंदर में तो बस उसमें एक ही त्रिभुज बना तो एक हो जाएगा अब टोटल को क्या कर लेंगे करेंगे तो करेंगे तो कितना हो जाएगा दस दस टोटल हमारा पचीस त्रिभुज हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर नब्बे देखते हैं इस वर्ग में कितना वर्ग है तो देखिए एक वर्ग दो वर्ग तीन वर्ग चार वर्ग एक बड़ा वाला वर्ग पांच यानी टोटल वर्गों की संख्या पांच अब इसका खत्म अब इसके अंदर जाएंगे एंट्री मारेंगे तो ये वाला हो गया इसमें कितना वर्ग बन रहा है तो एक वर्ग दो वर्ग तीन वर्ग वर्ग चारेट चार को जोड़ के वर्ग वर्ग यानी 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 और कितना हो गया हमारा ओके इस पहले को पहले पीडीएफ निकाल लेंगे टेलीग्राम चैनल से जिसमें बर्मा ओम से ओम नाम से मेरा टेलीग्राम पर चैनल है वहां जाइए ज्वाइन हुई और वहां से पीडीएफ यानी सेट टू लोड कीजिए पहले उसको बनाइए और जहां जहां मतलब दिक्कत होता है उसके बाद वीडियो देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं में क्या है चार बाई चार का वर्ग पांच बाई पांच का वर्ग देख एक दो चार बाई चार, चार पांच के तो चार बाई पांच में बताए थे कि कितना वर्ग बनेगा तो चार बाई पांच का वर्ग निकाल लेंगे तो पांच गुने चार फिर चार गुने तीन फिर तीन गुणे दो अब फिर दो गुने एक तो यहाँ पर बीस यहाँ पर बारह यहाँ पर छह पर दो तो बारह आठ बीस कितना हो गया चालीस अंदर वाला देखेंगे पांच, पांच यहां पर पांच यहां पर पांच यहां पर पांच यहां पर तो चालीस बीस कितना हो गया टोटल साठ इसमें निकालिए कितना त्रिभुज बन रहा है तो देखिए ये वाला जो है चतुर्भुज इसमें तो नॉर्मली आठ त्रिभुज बनता है एक दो तीन चार इसको मीडिएटर लेंगे तो दो इसको मीडिएटर लेंगे तो दो तो आठ तो नॉर्मली इधर हो गया इधर चलते हैं तो इधर का क्या कंडीशन है देखिए देखिए इन दोनों फिगर को तो इसमें तीन बनेगा फिर इन दोनों में तीन बनेगा फिर इन दोनों में तीन बनेगा ठीक है तो टोटल कितना हो गया नौ तो ऐसे हो गया चलिए अब देखिए इस लाइन को देखेंगे तो एक त्रिभुज उधर एक त्रिभुज इधर फिर इस लाइन को देखेंगे तो एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर फिर इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर यानी टोटल ऐसे करके छह त्रिभुज हमारा हो गया तो छह ये हो गया फिर आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पर एक बड़ा वाला त्रिभुज हमारा बन रहा है ये वाला तो इसको भी एड कर देंगे प्लस एड अब इस फिगर को इस फिगर के साथ जोड़ के देखेंगे कि कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं तो इसको देखिए इस लाइन के साथ यदि एड करते हैं तो कोई त्रिभुज नहीं बनता है इस लाइन के साथ भी कोई त्रिभुज नहीं बन पाता है या इस लाइन के साथ भी कोई त्रिभुज नहीं बन पा रहा है तो बस हमारा आंसर यहीं पर समाप्त हो गया देखिये आठ छ कितना हो गया चौदह और चौदह और नौ एक दस तो कितना हो गया चौबीस आंसर क्वेश्चन नंबर तिरानवे को देखते हैं तो तिरानबे में क्या बोल रहा है अब देखिए यहां पर ये यह नॉर्मल अंदर के की तरफ कितना त्रिभुज बन जाएगा तो आठ बन जाएगा कैसे एक दो तीन चार ये दोनों के एक साथ 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 तो आठ तो अंदर बन गया अब कोने पर ध्यान से देखते हैं एक दोनों को जोड़कर तीन तो एक यानी तीन यहां पर तीन यहां पर तीन यहाँ पर तीन पर, पर तो टोटल कितना हो गया हमारा बारह और इसके अलावा भी देखते हैं कि कोई त्रिभुज बन रहा है क्या अब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो इन दोनों को अगर एड करेंगे तो भी कोई त्रिभुज नहीं बन पा रहा है तो यही यह हमारा कितना हो गया आंसर होगा बीस अब इसमें देखिए कितना त्रिभुज बन रहा है तो देखिए इसको दो पार्ट में बांटते हैं पहले इस पार्ट को देख लेते इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है तो देखिए एक दो तीन इसको लेंगे इधर एक बार मीडिएटर लेंगे तो एक इधर बन जाएगा एक उधर बन जाएगा इसको लेंगे तो एक इधर बन जाएगा एक उधर बन जाएगा तो चार तो ऐसे बन रहा है इस लाइन से आ चार आ तीन सात एक बड़ा वाला ये वाला हो गया तो एक आठ तो इस फिगर में केवल हमारा कितना बना आठ त्रिभुज बना अब नेक्स्ट देखते हैं इधर साइड में कितना त्रिभुज बन रहा है तो यहां पर देखिए एक यहां पर और एक यहां पर दोनों को एड कर देंगे तो तीन बन जाएगा तो तीन इधर हो गया अब इन फिगर और इस फिगर दोनों को एड करके देखते हैं कि कितना त्रिभुज बन रहा है तो देखिए यहां पर एक तो यहाँ पर बनेगा तो प्लस एक हो गया उसके बाद देखिए एक बाड़ा वाला बनेगा इसे तो बाड़ा वाला भी एक बन जाएगा तो प्लस एक एड हो जाएगा उसके बाद इसमें किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बन पा रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा तो आठ पांच कितना हो गया तेरह आठ पांच तेरह इसके अलावा चुकी आठ इधर बना एक, दो, एक दोनों को एड कर दिए तो तीन इधर बना क्लियर इन दोनों को एड करेंगे तो बन गया एक इधर फिर इन दोनों को एड करें बड़ा वाला को भी तो एक बन गया उधर यानी अब किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बन पा रहा तो बस यही हमारा आंसर हो गया तो आठ पांच कितना हो गया तेरह अब क्वेश्चन नंबर पंचानबे देखेंगे पंचानवे में क्या है तो कितना इसमें चतुर्भुज तो हो भाई ये तो सिंपल है एक दो तीन एक दो तीन यानी कितना हो गया छो तो टोटल कितना है छो क्योंकि एक दो तीन ये हो गया ये दोनों के एक साथ ये दोनों के एक साथ और तीनों के एक साथ फिर क्वेश्चन नंबर छानबे देखेंगे इसमें वर्गो की संख्या निकालेंगे तो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन एक दो तीन चार पांच पांच बाई पांच का है तो वैसे ही निकलेगा यानी पहले राउंड में कितना बन जाएगा पच्चीस फिर सोलह फिर, फिर नौ फिर चार फिर एक सबको एड कर देंगे तो कितना हो गया सोलह नौ पच्चीस पच्चीस पचास यानी पचपन इसमें देखते हैं कि टोटल कितना वर्ग बन रहा है तो वर्गों की संख्या कैसे होगा तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यानी छोटा वाला वर्ग कितना बन गया टोटल दस नेक्स्ट देखते हैं अब इससे बड़ा तो देखिए इन चारों को जोड़ेंगे तो एक बनेगा फिर इन चारों को एक बनेगा इन चारों से एक बनेगा तो तीन वाय से बन गया अब देखिए इस क्रॉस से भी एक वर्ग यहाँ पर बन रहा है तो प्लस एक यानी टोटल कितना हो गया फोर्टीन नंबर अंठानवे देखेंगे तो अंठानवे में क्या बोल रहा है कि अगर इस बाहर वाला बर्ग को लेंगे तो इससे पांच बनेगा एक चूंकि एक दो तीन चार आ चारों को एक साथ जोड़ देंगे तो कितना होगा पांच तो बाहर से पांच प्लस फिर अंदर की तरफ जाएंगे यानी इस बर्ग को तो इसमें पांच को बना चूंकि एक दो तीन चार आई चारों को जोड़ने तो के, चार। के बाद भी एक बन जाएगा पांच 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 कितना बन गया हमारा दस अब ये क्वेश्चन नंबर निन्यानबे तो निन्यानवे में क्या बोल रहा है कि कितना त्रिभुज बनेगा तो देखिए सिंपल तीन यहां पर बनेगा तीन यहां पर बनेगा और तीन यहां पर भी बन जाएगा ओके तो तीन, तीन 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 तो कितना हो गया हमारा नौ या तीन इसको एड करते हैं तीन इसको एड करते हैं और इसको छोड़ देते हैं इसको इसके साथ देखते हैं तो तीन तीन और इसमें क्या है चतुर्भुज बना तो इसमें टोटल कितना बनेगा आठ हो गया अब देखिए ये जो लाइन है पूरा यहाँ पर पास कर रहा है तो ये पूरे त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो एक ये वाला एक ये वाला और दोनों को जोड़कर भी एक बन जाएगा तो तीन ये भी बन जाएगा तीन इधर बना तीन इधर बना अंदर आठ बना इस लाइन के माध्यम से बड़े वाला लाइन के माध्यम से इस लाइन के माध्यम से भी तीन त्रिभुज बन गए एक इधर इधर एक, एक दोनों को जोड़कर तो और इसमें देखते हैं त्रिभुज बन रहा है कि नहीं अब इस और इस फिगर को एड करेंगे तो कोई त्रिभुज हमारा नहीं निकलेगा इसको इसको भी एड करेंगे तो कोई त्रिभुज नहीं निकल पाएगा तो बस यही हो गया आठ छ कितना हो गया छ तीन नौ आठ सत्र अब इसमें देखते हैं टोटल त्रिभुजों की संख्या तो देखिए इस अंदर वाला में देखिए कितना त्रिभुज बनेगा तो अंदर वाला में हमारा आठ त्रिभुज बना अब देखिए आठ त्रिभुज ये अंदर वाला में बना एक दो तीन चार दो दो को एक साथ जोड़कर उसके बाद इसके किनारे किनारे एक दो तीन चार तो चार ये बन गया अब इसका बाहर निकलेंगे बाहर निकलेंगे तो एक दो तीन चार चार फिर बनेगा अब एडिशन से देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं तो एडिशन से कोई इसमें नहीं बन पा रहा है तो बस हमारा क्या होगा यही आंसर हो जाएगा तो आंसर कितना हो गया आठ, आठ 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 कितना हो जाता है सोलह यानी सौ क्वेश्चन हो गया फिर हमारा तीसरा यानी काउंटिंग ऑफ फिगर से तीसरा सेट आएगा जिसमें हम पचास क्वेश्चन का जिक्र करेंगे ऐसे ही लगभग दस बारह सेट होगा जिसमें जीरो से लेकर टॉप जीरो से लेकर टॉप लेवल तक यानी काउंटिंग ऑफ फिगर से किसी भी एग्जाम में या एस हो या बैंकिंग हो या आई हो या रेलवे हो या स्टेट स्टेटी हो या बिहार एस हो कोई भी एग्जाम हो अगर काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन आएगा तो वो हमारे सीट से ही होगा इसमें हम दस सेट का जिक्र करेंगे दस सीट के माध्यम से ही हमको टोटल कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा और हर एग्जाम में हेल्प होगा कोई भी एग्जाम हो इस सेट यानी बारह सेट को देखिए पहले सेट का पी यानी चैनल से यानी बारमा ओम नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है वहां से डाउनलोड कीजिए उसको बनाइए और जहां पर डाउट हो रहा है उसके बाद यूट्यूब चैनल बारमा ओम नाम से चैनल है वहां पर जाइए और देखिए जहां पर डाउट हो रहा है डेली एक एक सेट हम रीजनिंग का देते रहेंगे वैसे मैथ का भी सेट देते रहेंगे तो चलिए यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए तो ओके